स्पोर्ट डे के अवसर पर एनटीपीसी ऊंचाहार में बच्चों, महिलाओं और एम्प्लॉयज के लिए पेरेंट्स खड़े हैं वो कृपया अलग अलग तरह के स्पोर्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अभी बच्चों का लेमन रेस का कार्यक्रम चल रहा है। तो पहले ही वो रुक जाएं, 5 फीट का डिस्टेंस रखें, रेफरी को जगह दे दें। पिछली इवेंट में जो 3 बच्चे शुरुआत में लीड लिए थे, वही अंत तक बरकरार रखे, किसी ने भी रेस के बीच कोई भी रेफरी के सिवाय बीच में ना जाएं, बच्चे और बड़े सभी। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, और लगभग गेम स्टार्ट होने वाली है। बच्चों जो भी कंचे थे वो वापिस कर दो। कृपया अगर किसी बच्चे के पास कंचे हैं तो कृपया बच्चे कंचे शुरू होने ही वाला है, कृपया रेफरी इसे शुरू करवाएं। हैं? और ये कक्षा 4 से 6 के बीच चलती हुई रेस देखना है कौन बच्चा बाजी मारता है। पेरेंट्स से कृपया मेरा अनुरोध है कि कृपया फिनिशिंग लाइन के पीछे रहें सभी, थोड़ा सा फिनिशिंग लाइन के 5 फीट की दूरी रखें। और सभी बच्चे कंचे वापिस करेंगे, कंचे रेफरी के पास वापिस करेंगे सभी बच्चे। कक्षा 12 तक के बच्चे वहां पर चले जाएं लाइन पे। अगला इवेंट उनका है कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12। एक तो बिल्कुल आगे यहाँ आगे गिरा बेचारे का, वो दिनेश के, दिनेश का जब बेटा था ना, पहुंच गया और लास्ट वो तो हिलेगा ही। 7 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे हैं? पता नहीं, ऐसे याद थोड़ी रहता है। हैं? क्या कर रहा है? फटाफट तो फिनिश हो जाती है रेस, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उसमें, फिर हम जूम नहीं होते। देखो नया दूसरा इवेंट है कक्षा 7 से लेकर 12 तक का, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी, और लेमन रेस स्टार्ट होने वाली है 7 से 12 में। फुटबॉल पोस्ट के दूसरी तरफ भी बच्चों को अगर है तो देख सकते हैं, क्योंकि लाइन पूरी लगी हुई है आगे तक। सात से बारह की लेमन रेस स्टार्ट से लेके 12 तक के बच्चे, देखना है कौन कंचा लेके अंत तक अपनी सीमा रेखा तक पहुंचता है और अपनी गति को भी मेंटेन करके रखता है। और बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, और देखते हैं कौन
तीन लड़की कोई भी नहीं है, लड़के लड़के तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चे हैं, लड़की रह गई, तीनों लड़के लड़के रह गए। जूम बहुत है तेरे लगे हुए। अंपायर का मिल रहा है अंतिम, कृपया सभी बच्चे कंचे वापस कर दे रेफरी को, सभी बच्चे कंचे वापस कर दे रेफरी को। क्यों रह गई थोड़ी सी, नहीं निराश हो गई क्योंकि इसमें बच्चे थोड़े से मतलब वो बहुत पतले पतले से ना ऐसे ऐसे चल रहे थे, धीरे धीरे आराम से आ रहे थे, लड़के बहुत स्लो थी। 7 से 12 का हो चुका है, अभी महिलाओं और जेंट्स का होने वाला है जिसमें लेमन रेस में जीतने वाले को मिलेंगे बहुत सारे पुरस्कार। लेडी प्रारंभ सीमा पर पहुंच जाए, अभी तक बच्चों को मनियां सिखा रही थी, अब देखते हैं कि बच्चे अपनी मनियों को क्या टिप्स देंगे कि वो इस अंतिम रेखा तक सही पहुंच पाए। अगर पार्टिसिपेंट ज्यादा हो तो फुटबॉल गोल के दूसरी तरफ भी सोच सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत हमारे पास जो है सीमा रेखा पूरी खड़ी है फुटबॉल गोल की, तो एक बारी में पूरा जा सकते हैं। लेकिन अगर 50 से ज्यादा हो जाएंगे तो दो हिस्सों में कंपटीशन होगा। पीछे से वीडियो बनाओ, रेफरी और जो एक दो तीन पार्टिसिपेंट को पकड़ेंगे वो भाई इससे पीछे रहे, बस कोच रहेगा थोड़ा सा यहाँ से आगे नहीं, यहाँ से आगे नहीं जाओ, देखो उसको बालक और रेस के लिए तैयार। पहला राउंड जो है वो जाने को तैयार है, कृपया रेफरी की बात को गौर से सुने, स्कोरर जो टाइम नोट कर रहे हैं वो भी रेडी हैं और रेफरी भी रेडी हैं। रेस शुरू हो चुकी है, देखना है कौन फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाता है, और लग रहा है कि एक फैमिली ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है, पहले बेटे ने बाजी मारी थी, अभी मम्मी ने बाजी मारी है, और ये 3 विनर मिल चुके हैं इस रेस के जो टॉप 3 थे उनका टाइम नोट कर लिया गया है कितने समय में वो पहुंचे। अभी जो पहले इस राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो कृपया अब लाइन छोड़ दें, और जो बचे हुए पार्टिसिपेंट हैं वो आ जाए लाइन पर, कंचे वापिस कर दें कृपया। इस बीच हमारे परियोजना प्रमुख उनका स्वागत करते हैं, नहीं स्लो है ना, तू पहल पहल भी स्लो थी, आ भी जाती लेकिन वो नंबर नहीं आता ना। लेडी ज्यादा है यार, बहुत मुश्किल से रुकता है जो जीतेगा, जो टैलेंट है जो जीतेगा, इसमें क्या बात है, वो जो जिसके अंदर टैलेंट है वो जीतेगा, इसमें क्या बात है।
और कोई भी हो बच्चों को पीछे कर दे कोई भी अरे हम तो बहुत अच्छा। उतर रहे हैं तुम क्या सोच रही हो रेस के दौरान बीच में ना रहे ग्राउंड में और ये रेस शुरू हो चुकी है देखना है तो चम्मच गति और कंचा लेके पहुंचता है हम तक पहले तीन जो प्रतिभागी मिल गए हैं अब उनका टाइम वेट किया जाएगा और अब देखते हैं क्या मिलने वाला है कृपया कम से ढूंढते रहें जिसे कम से गिरा